परिवार तो वड़ा कोई तन नहीं, पिता तो वड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां दी छां तो वड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई तो वधिया कोई भागीदार नहीं, भैन तो वड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, इसलिए परिवार तो वड़ा कोई जीवन नहीं। मेरा नाम सुभाष चोपड़ा है, मेरे पिताजी का नाम शक्ति प्रकाश चोपड़ा, पिछों से अमृतसर तो बिलोंग करने हैं और चंडीगढ़ शक्ति ज्वेलर के नाते मेरी शॉप हुई है। मैं अपने पिताजी के नाते रखी सी फर्म क्योंकि उन्होंने मैंने बड़ी सपोर्ट सी और मैं हमेशा चाहना हमेशा जो काम करें प्यो के नाते किया जाए ताकि हर काम के पिछे बाप माता पिता का पूरी सपोर्ट होती है। और यह मेरी ब्यूटीफुल वाइफ हैगी है, यह मेरे दो बेटे ने अमित और करण, आप चाहना एक दूजे का बहुत प्यार है, आपस च शॉप से बहते हैं और इन्ना क आपस एक दूजे ने तालमेल बना दिया कि काम बड़ी तरह दुकान समेटी है। मैं ना भी हुआ तद ही दुकान से बड़ी अच्छी तरह सारे कस्टमर नु डील कर दे। मेरा नाम राधिका चोपड़ा है और ये मेरे हस्बैंड हैं, भगवान की कृपा से ये मेरे को बहुत अच्छे भगवान ने हमारी जोड़ी मिलाई है। और ये मेरे दो बेटे हैं अमित करण पलक महक, ये दोनों रियल सिस्टर हैं और ये मेरे को दोनों मेरी बहुओं से ज़्यादा बेटियाँ हैं, बहुएं कम हैं और बेटियां ज्यादा हैं, भगवान ने मुझे बहुत अच्छी दी हैं। और मेरे तीन पोते और एक पोती है। मेरा नाम अमित चोपड़ा है, मैं घर का बड़ा बेटा है वा, मैं अपने बिजनेस से सारा अपना काम करना पाया। मैं और मेरा ब्रदर आप इकट्ठे काम करने हैं, असं दोनों अज दोनों भरा जो भी अच्छे गए हैं अपने पिताजी के अपने बदौलत आए, असं अपना अज फैमिली बिजनेस कर रहे पे हैं। सो असी काफ़ी ग्रो कर रहे पे हैं प्रभु कृपा के नाल, लोगों ने असं अच्छा किया, सूँ अगर अच्छा मिलता पे है, असं अगे होर भी अच्छा करेंगे, सूँ बहुत अच्छा मिलेगा। एंड शी इज़ माई वाइफ, ये बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, ये मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है। और मेरे दो बेटे हैं, दो बेटों की पूरी परवरिश ये खुद कर रही है, उनका स्पोर्ट्स उनकी स्टडी सब कुछ ये देखती है। मेरा नाम करण चोपड़ा है वै, तो मेरे मैं अपने पिता श्री का लाडला मुंडा है छोटा, तो अमित चोपड़ा जी मेरे वड्डे भाई साहब है, तो सारे काम असं मिल के करते हैं, मतलब कि मैं उन्होंने होंगे टेंशन नहीं रहती कम की, मैं कहीं कम करना भी है कि नहीं, तो मैं वैसे भी अपना टेंशन फ्री रहना कि पता ही नहीं मैं कि मैं अपना काम भी की करना वै, तो लेकिन मैं वे भरा के होंगे पापा के होंगे मैं कोई टेंशन ही नहीं होंगी। मेरी वाइफ ने ऑप्टोमेट्रिसी की है, लेकिन वो करने के बावजूद भी उसने सारा घर संभालिया, तो बल्कि अपना कोई जॉब जॉब उन्हें साफ अपना करता जी, मैंने कोई जॉब की लड़ नहीं कि मैं घर के बह के खुश हैगी हाँ, तो बच्चे संभालती है, मैं कहना इस तो उपर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर भी मैं अपनी जिंदगी तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਜਵੈਲਰਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਲਕਮ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੀ। सर, मेरा पहला सवाल तुहानू ए होएगा कि शक्ति ज्वेलर्स दी शुरुआत कदों तो हुई और ये तुहाडा पुश्तैनी बिजनेस है या ये प्लैंड, जिवें कि बच्चों की एक सोच हुंदी है कि मैं इस बिजनेस दे विच जाना है, तुसीं इसनू किवें शुरुआत कीती है? देखो जी, साडा पुश्तैनी बिजनेस है, मेरे फादर साहब दे नाते बिजनेस चल रहा वा, उन्हां दा नाम हैगा सी शक्ति प्रकाश, अमृतसर च साडी फर्म सी शक्ति प्रकाश एंड संस। फिर जदों मैं इत्थे आया तो फिर मैं उन्होंने नाँ तो शक्ति ज्वेलर रखिया। साढ़े मेरे दादा जी भी काम करते, पिता जी भी काम करते, उन्होंने काम करदे देख के असं उन्होंने जुड़ते गए। असं इतने आके मैं फैमिली का सपोर्ट मिले, इतने आके 25 साल हो सू इतने आया, फैमिली सपोर्ट के नाल और एक काम ज बिजनेस जरा होनेस्टी चलता, आप जरा भी काम किया होनेस्टी किया, अभी भी मार्केट किसी पुछ के देख लो ना, अभी कहेंगे जी इन्हों की चीज़ सब तो अच्छी होंगी है।
मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं खरड़ वर्मा ज्वेलर से हूँ। मैं शक्ति ज्वेलर के पास 15-20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरा नाम तनिष्क, मैं हिमाचल प्रदेश से, हमारी हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में दुकान है और हम काफ़ी वर्षों से यहाँ शक्ति ज्वेलर के साथ काम कर रहे हैं। पहले मेरे पिताजी यहाँ आया करते थे, अब मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ इनके साथ काम करने का। हमें यहाँ हर वैरायटी हर समय उपलब्ध मिलती है और हमें कोई भी ऑर्डर का सामान भी हो वो भी जल्द से जल्द तैयार करके दिया जाता है। मैं जो हमारे यहाँ पे सर वगैरह काफ़ी अच्छे है, काफ़ी बिल काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, काफ़ी मेंटेन अच्छे से है। और हमारे बाकी स्टाफ वो भी काफ़ी अच्छे से है, पूरा अच्छे से भाईचारा बना कर रखते हैं। फैमिली तरह माहौल में पूरा सब कुछ नो बढ़िया मैम, जैसे भाई ब्रदर है सब मिलजुल के रहते हैं हम यहाँ पे। नमस्ते जी, मैं शक्ति ज्वेल से कम 18-20 साल काम करता है। इनके पास बहुत वैराइटीज़ है, बाकी हमारा जो दूर दूर के कस्टमर है 92 का सामान है, ACPL के सामान है, जो भी सामान है इसके पास और वैराइटीज़ मिलते हैं। इनके पहले छोटा दुकान था, उस टाइम भी इनके पास काम करता, अभी इनके पास ही मैं हूँ। इसके जो आगे है ना, जो सामान टामान है उनके वैराइटीज़ बहुत अच्छा है। ये जो हमारा जो भाई साहब है ना सुभाष चोपड़ा है ना, इनके सिर्फ हमारा नहीं, सारी किसी के कोई एम्प्लॉय कोई दूसरी बंदे के कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाए, रात 2 बजे 3 बजे भी बोल देता है ना, ये आ जाता है। इनके तो जवाब ही नहीं है, इतना अच्छा बंदा है इनका, सारा कितना अवार्ड भी मिला है और सारी इतना बड़ा बंदा ना हमारा साथ, सारी इतना गरीब बंदा जो भी हमारा साथ मिलजुल के इन रहता है, जैसे भाई जैसा जैसा है मिलजुल के रहता है। सुभाष जी, चांदी के बर्तना नूं आम तौर दे उते देखा जाता है, लोगों के घरां विच सजाया जाता है, कि ये चांदी के बर्तन वरतों च भी लै जाते हैं? लोग चांदी के बर्तन बड़ा खुशी नाल लैके जाते हैं। कई बार तो कोई बच्चा पैदा होता उनके घर जमन च दिते जाते हैं, वो कई लोगों को चांदी के भांडे च खाने का शौक होता। कई लोग चांदी के भांडा होता ठंडा, चांदी ठंडी कही गई है, वो दुध पानी उस पीते हैं ता कि अपना मन शांत रख सकन। कई गर्म सुभा के होंगे और घर के कई यूज करते हैं, कई घर से यूज नहीं करते। हाँ, कई मतलब आम तौर पर क्या जाता है कि चांदी यूज करो, मतलब जिन्हें लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उन्होंने क्या जाता है कि तुम चांदी की वरतों करो, चांदी की मतलब चेन पा लो, कड़ा पा लो, तो उन्होंने गुस्सा घट आता है। कि इस गल कि सच्चाई है? नहीं, चांदी ठंडी मनी गई है जी, कोई भी ऐसी कोई गल नहीं, जो चांदी ठंडी मनी गई है। जिसन गुस्सा आता है तो पंडित लोग यही कहते हैं कि गुस्सा आया यार चांदी का कड़ा पा दो या चांदी की चैन पा दो, थोड़ा मन शांत होता। चांदी दे गोल्ड दे विच किन्ना का फर्क हैगा? चांदी और गोल्ड विच बहुत फर्क है, जमीन समान का फर्क है। हुण चांदी च इहो जी वैरायटियां आ गई हैं कि जिहड़ियां गोल्ड टाइप लगदियां, असीं एंटीक आइटम आ गई हैं। लोग चांदी नूं पैसा सर्च करके देने लग पे, कोई एंटीक आइटम आनी आ गई हैं कि लोग हाई फाई लोग भी उन्होंने चांदी दी एंटीक आइटम पा के जरा खुश होंदे ने। एक तो कितने आना जाना सौखा, अजकल गोल्ड पा के कितने जाना हो तो बंदे नूं 100 बंदे मन च तुक तुक ही लगी जाती है। अपना सिल्वर का इन्नी अच्छी वैरायटी आ गई है कि सोने नूं मात देंदी है। शक्ति ज्वेलर्स की मोनोपली है चंडीगढ़ दे विच, ये जिहड़ा सिल्वर का बिजनेस है। सुभाष जी, तुसीं मैनूं दसो कि ये चंडीगढ़ दे विच किहड़े किन्ने क पद्धर दे उत्ते फैलिया होया है? बिजनेस साडा बहुत ही जगह फैलिया है, तुहानूं दस्सिया सी उदों दूर दूर तो साढ़े कस्टमर आते हैं। ये समझ लो चंडीगढ़ तो लैके 100 किलोमीटर दायरा तो पहाड़ जिहड़े कि टोटल पहाड़ तक लोग आते हैं। सुभाष जी, तुहाड़े फल दे फुल दे बिजनेस नूं देख के कहिंदे ना कि एक आदमी दे पिछे औरत दा हत्थ हुंदा है, तो ये जिहड़ी औरत मेरे सामने बैठी शी इज़ सो ब्यूटीफुल,
बहुत सोहने ने ते मतलब मैं जिनक जानती हाँ कि शक्ति ज्वेलर्स दे विच एज अ चेयरमैन शी इज़ वर्किंग लाइक इन्हों का पूरा होल्ड है तुहाडे नाल बराबर दा बिजनेस दे विते, फिर भी तुसी मैनूं दसो कि भी इन्हों दा या फैमिली दा की योगदान है तुहाडे बिजनेस नूं इंप्रूव करन। फैमिली दे योगदान तो बिना कोई काम ही नहीं हुंदा, इन्हां दा योगदान पूरा शॉप ते आंदे आ बैठदे आ अपनी ड्यूटी घंटा अद्धा घंटा दो घंटे लगा के चले जाते हैं। मतलब कि एक फैमिली बहुत सोहने तरीके नाल एक संस्कारी रूप दे विच मैनेज करती है ते मतलब इस बिजनेस नूं वाधा हो रहा। सुभाष जी मतलब फैमिली बिजनेस तो मैंने एक होर भी मेरे दिमाग च क्वेश्चन आता है कि तुहाडे चंडीगढ़ दे विच इस मोनोपली है शक्ति ज्वेलर्स की, है ना, और तुहाडी क्वालिटी देख के तो आई एम टोटली इंप्रैसड, बट इस तो इलावा चंडीगढ़ तो इलावा भी तुहाडियां होर ब्रांचिज ने? नहीं साडी कोई ब्रांच नहीं चंडीगढ़ तो इलावा, साडी सिर्फ चंडीगढ़ च एक कोई ब्रांच हैगी है, बस उसी हथे बह के काम कर रहे हैं। दूरों दूरों कस्टमर साढ़े को आते हैं, जिस तरह रामपुर रोहड़ू शिमला तो बहुत दूर दूर तो जो मनाली मंडी सब इस जगह तो है, राजपुरा बलाचौर नागमा शहर बहुत दूर दूरों कस्टमर साढ़े को आते हैं। सुभाष जी मैं थोड़े अवार्ड्स देख के इन्नी हैरान हाँ कि मैं हालांकि इन्ने लोगों के इंटरव्यूज लै चुकी हूँ लेकिन जो लैवल मैं थोड़ा देख पा रही हूँ माइंड ब्लोइंग कमाल है। तो मैं हूँ सुनिया कि ओवरसीज वर्ल्ड वाले ने भी कोई भारत रत्न अवार्ड दिता है, तो मैं प्लीज़ वो बारे दसो कि भी वह की चीज़ है और मतलब साझा करो लाइन। वर्ल्ड अवार्ड के मैं भी एप्लीकेशन पाई सी, टोटल उत्थे एप्लीकेशन जानी 2200 पूरी आल इंडिया चो, वो सिलेक्ट करते किनू किनू अवार्ड देना किनू किनू नहीं देना, फिर वो मेरा नाम आया सी स्पैशल, मैं दिल्ली जाना पाया और दिल्ली मैं उन्होंने भारत रत्न अवार्ड दिया उस इस वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले ने। बहुत वड्डी अचीवमेंट है तुहाडी। उन्होंने उन्होंने सारी मैं पूछा किन्ने आए किस तरह आए, फिर उन्होंने दसिया जी मैं ऐसा बिजनेस ग्रो किया ऐसा ऐसा करके आया, उन्होंने बिजनेस ग्रो का बेस्ट बिजनेस अवार्ड दिता मैंने बेस्ट बिजनेसमैन का। ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਥੇ 800-900 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। देखो जी बिजनेस के नाल नाल ये जिम्मेवारियां भी सांभणियां बहुत औखियां, ते बट मैं एक चीज़ जरूर जानना चाहूँगी कि रब ने तुहानू इन्ना वधिया तुहाडा नाम है सब कुछ, कि तुसी सोशल वर्क बारे भी कदे कुछ सोचदे हो? या सोशल वर्क बारे सोचना पैंदा, हुण साडे नज़दीक मंदिर है उहनां 'च कुछ कराना करना सानू सद्दिया जाना पैंदा वै, मार्केट दे विच कोई लोक सद्दे ने किसी का कोई झगड़ा किसी का प्रेम प्यार हर चीज़ का मसला हल करना पैंदा। सोशल च चलो मैं तां चलना ही चलना वा, मेरी वाइफ भी सोशल विच ज़्यादा चलदे ने, उन्होंने उत्ते सोशल वर्क के जाने जाके अवार्ड भी कई मिले, कई जगह तो जाते अवार्ड भी लैके आते, अवार्ड उन्होंने भी मिलते मैं भी मिलते। वैसे भी बिजनेस दे विच वाइस प्रेसिडेंट तुसी हो पर परिवार दे विच ता वाइस प्रेसिडेंट साडे मैडम ही ने। नहीं नहीं वाइस प्रेसिडेंट जी होम मिनिस्टर। ओ यस दैट्स द मेन पॉइंट। मैम तुसी की कहना चाहोगे? कि मेरा परिवार ही बहुत अच्छा है, मेरी बहुएं मेरे बेटे मेरे पोता पोती सारा परिवार ही गुरु कृपा नाल बहुत अच्छा है। सच दसा तो मैं मज़ा आ गया इस परिवार को मिलकर, बिजनेस के नाल नाल जो पॉजिटिविटी तुहाडी फैमिली दे विच है वो उदे लई तां मैं कहनी सल्यूट करदी हाँ मैं तुहानू। और कहिंदे आ ना कि भी जिहड़ी जड़ हुंदी है वह परिवार की तीवी हुंदी है, ते और मैम साढ़े सामने बैठे ने, तुहानू मिल के बड़ा अच्छा लग्या मैम। अमित ये तुहाडा फैमिली बिजनेस जॉइंट बिजनेस है, तो अगर आप गल करिए जो कई बार बिजनेस नूं लैके फैमिली दे विच तकरार भी हो जाती है डिस्प्यूट हो जाता है, तो तुहाडा इस नूं लैके की विचार है? देखो साढ़े ना देखो इस तरह चीज़ कष्ट कभी हो ही नहीं, ये चीज़ तो होंगी है कि जे एक बंदा अपने घर की फैमिली समझ सके ना कि हाँ भी उस बंदे की ख्वाहिश है मेरी की ख्वाहिश है या ब्रदर की ख्वाहिश है, सानू हर चीज़ वेखनी पैंदी है। लाइक जिवें मेरा ब्रदर है उन्होंने पता है हाँ भी भरा इस काम को करन लग गया इन्ना टाइम लग गया, यह काम करना वै किस तरह करना है, किस तरह असी लोगों को मक्की खुश करना है, अपना किस तरह असी परचेज करनी है, किस तरह सेल करनी है, वो हर चीज़ असं दोनों भरा आपस में एक दूसरे सलाह करके काम करने हैं। जे मैं अज ना सलाह करा अपना जिमें कहते पंजाबी अपनी भूतनी सारा वो फिर काम गलत हो जाता है, असी वो कदे नहीं किया। और जो मेरे फादर साहब है वो सानू दोनों भरावों को वेखते हैं किस तरह काम करते पे किस तरह नहीं करते पे, जिते असं गलत होने सानू दस दौ बेटा तुम इतने गलत है भावें व्डा है भावें जो है आप दोनों आपस भरा नहीं यार बन के रहो,
यार बन के रहोगे, हर गल शेयर करोगे तो तुहाडी हर जिंदगी च ख्वाहिश पूरी होगी, तुसीं हमेशा अगे सक्सैस ही रहोगे। अमित, अगर फैमिली बिजनेस की गल करिए तो जिहड़ा वड्डा पुत्र हमेशा ज़्यादा जिम्मेदार मनिया जाता है, तो तुसीं अपनी जिम्मेदारी नूं फैमिली ते बिजनेस दे विच कीवें लैंदे हो? देखो पूनम जी, मैं घर का वड्डा तो हैगा वा, वह हमेशा रहूंगा। और दूजी गल तुसीं किहा गल जिम्मेवारी की, जिम्मेवारी मेरे ते हैगी है, बट ठीक है उन्नी ही जिम्मेवारी मेरे भरा ते भी हैगी है। असीं दोनों भरा एक दूजे बिना अधूरे हाँ, फैमिली च भी, शॉप ते भी, हर काम च। असीं कुछ डिसीजन भी लैना, लाइक छोटी जी गल, एक आप गड्डी नवीं खरीदनी है ना, आप अपने पहले भरा ने पहले सलाह करनी करन, मेरा गड्डिया मन करता पे है, अभी पिकअप वगैरह सब कुछ ठीक है, चेक कर लिया सब कुछ ठीक है, ओके है, वो यस करेगा तो आप कम करना है। यही कि हाँ भी मैं कह एक कम करना है तो उन्हें करता ओके, नहीं। और दूजी गल, असी अपनी दुकान से दोनों भरा मिल के काम करने, एक दूजे की सलाह ना काम करने, और कहें ना जो भरा नाल हो किसी चीज़ डर नहीं होंगे, असी उसी तरह अपने भरा काम करी दे और टोड़ ना काम करी दे, सानू किसी को डर कोई नहीं गा। आप अच्छी प्योरिटी बेची दी है, अच्छी गल करी दी दुकान से, साड़ी दुकान तुम मनोगे नहीं पूनम जी, साढ़े को लेडीज कस्टमर इन्ने का आते हैं, जेंटलमैन तुम कहोगे कि इन्ने अच्छे वूमेन आती दुकान आती है, असं किसी ने कभी गलत गल नहीं करते ना, मजाक, बैठो जी, आओ जी, खाओ पियो जी, समान लैके जाओ जी, इन्नी की इज्जत करने। अमित, मैं खुद इस चीज़ की गवाह हाँ कि जो मैं फर्स्ट टाइम थोड़ा मिली सी और मैं तुहाडे कोल शॉपिंग करने लिए आई सी, मैं उदो आई वॉज वेरी मच इंप्रेस द बिहेवियर थोड़ा, जो जिस तरह तुम सर्विस देने हो, एंड इट्स रियली माइंड ब्लोइंग, मैंने इन्ना मज़ा आया ना। और एक देखो जी, कस्टमर तो बथेरे होंगे है, पर कस्टमर बना के रखना यह बहुत वड्डी गल है, और ये गुण थोड़ा शक्ति ज्वेलर्स दे विच ही हैगा, समझ लो बस साढ़े खून च हैगी है। सानू सब कुछ सानू ट्रेनिंग पापा पापा ने किया हो कि बेटा इस तरह कस्टमर ने गल करनी है, इस तरह उसी डील करना है, इस तरह आइटम दिखानी है, और अच्छी तो अच्छी प्योरिटी वेचनी है ताकि तुहाडा बाजार च नाम होवे। तुसीं मन्नोगे नहीं, साडी दुकान ते पर मैं साफ दसा 80% स्टॉक साडी अपनी स्टैंप का है, कि आप अपनी स्टैंप का माल वेची दा। लोग यही कहते हैं कि सानू शक्ति दी स्टैंप दिखाओ तो असीं माल लै जाएंगे बिना कुछ चेक किए, सानू लोगों को इन्ना का ट्रस्ट है साडे, और असीं इह ट्रस्ट नू कायम रखेंगे ऑलवेज फॉर एवर। That's really good. Thank you. Karan, घर का जो छोटा बेटा होंगे ना, आम तौर पर नौटंकीबाज मनिया जाता है, और छोटे बेटे छोटा बेटा लाडला पुत मनिया जाता परिवार च, और सब लोग वो खेडते हैं, चाहे वह बच्चा है चाहे वह बड़ा। तो तुसी जिमें कि तुहाड़ी पर्सनैलिटी और तुहाड़े बिहेवियर में मैं देखती हूँ, मैंने सच्ची तुसी मतलब नौटंकी ही लगते हो, शरारती लगते हो, परिवार लाडले लगते हो, तो तुहाड़ा भी बिजनेस दे विच पूरा योगदान है कि तुसी बंक मार के भज जाने हो कि बंक मारन का टाइम ही नहीं रहा। हुण विआह हो चुकी है, एक बेटा एक बेटी है, तो नाले हुण अपना दुकान पर भी दिल लग्या है, तो दुकान पर हुण जब दिल ही लग गया अपना, जब अपना असीं काम चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, तो फिर बंक मारन का किसी दिल नहीं करता, बल्कि भज्जन नूं दिल करता कि दुकान पर जाइए, ज़्यादा टाइम देिए, होर अच्छे अच्छे तो अच्छा काम करिए, वधिया तो वधिया काम करिए। तो लेकिन नहीं, मन नहीं कभी कितना बंक मारन का, क्योंकि बल्कि दिल करता जो मैं दुकान पर नहीं जा पाता, तो मेरा दिल करता कि मैं जावा दुकान पर, मैं टाइम क्यों नहीं दे पा रहा, इस करके नहीं। ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि जी जिम्मेदारियाँ हैं बच्चे नूं भी वड्डा बना दें, इंसान नूं इन्ना जिम्मेदार बना दें कि उन्हें अपना अगला दिखता है, भी कल नूं असीं अपने प्यो का नाम रोशन करना, असीं बिजनेस वल ध्यान देना। रियली प्राउड ऑफ यू करण। थैंक यू करण। अगर आप बिजनेस की गल करते हैं तो बिजनेस 24 घंटे की मांग करता है, तो जो कोई फैमिली फंक्शन आता है तो तुम उदो बिजनेस को किवें मैनेज करते हो? अद्धे परिवार के मैंबर बिजनेस चलाते होंगे तो अद्धे फैमिली के इनवॉल्व होंगे, किवें मैनेज करते हो तुम? देखो जिस तरह कि घर के फैमिली फंक्शन बहुत ही खास है, जिस सके चाचा जी का फंक्शन है या कुछ इस तरह की गल हैगी, तो फिर असी शॉप से एक दो हफ्ते पहला ही नोटिस लगा देने कि इस दिन से फैमिली फंक्शन है, तो साडा तो शॉप एक दो दिन वास्ते क्लोज रहेगी। जिस तरह कि हुण नॉर्मल फंक्शन आते हैं तो उस कई बार पापा मम्मा चल जाते, वड्डे भाई साहब चलते, उन्होंने फैमिली जाती है, नहीं तो फिर कई बार की होंगे पापा मम्मा ना छोटी फैमिली जाती, क्योंकि एक जिने का शॉप खोलना बहुत जरूरी है, तो नाले आप फिर असं मैनेज कर लें कि जिस तरह बहुत ही खास है सारे चले जाने नोटिस पा के एक दो दिन अपना एक हफ्ते पहला दुकान पर पाना पैंता है। तो दूजी गल जो नॉर्मल है तो फिर आप नॉर्मली फिर एक जना दुकान खोलता बाकी फंक्शन भुगता लेंगे इस करके। बहुत ही जिम्मेवारी का काम है एक बिजनेस चलाना, क्योंकि आप जो गवर्नमेंट जॉब की गल करते हैं तो बंदा सवेर तो लैके शाम तक अपना सवेरे 9 बजे जाता तो 5-6 बजे घर आ जाता, लेकिन एक बिजनेस को चलाने वास्ते कहते हैं ना पूरा परिवार का योगदान होंगे, पूरी फैमिली का। बहुत वधिया लगा करण, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। सुभाष जी, तुहाडा पुश्तैनी बिजनेस है,
और आम तौर पर की किया जाता है कि पेरेंट्स वालों बच्चों प्रेसराइज किया जाता है कि ये साड़ा पुश्तैनी बिजनेस है तो तुम इनू ही अगे वधाओ और इसे साढ़े बिजनेस को अगे तक लैके जाओ, मतलब बच्चों उन्हों की सोच के उत्ते वर्क नहीं किया करन दिता जाता, उन्होंने प्रेसराइज किया जाता कि तुम भी अपने बच्चों प्रेसराइज किया कि बच्चों की खुद की प्लैनिंग है कि इस बिजनेस को फ्यूचर बिजनेस बना के चलन की। ये साड़ा पुश्तैनी बिजनेस है वै, साडे दादा जी मेरे पिता जी यही काम करते थे, हूँ भी यही काम कर रहे हैं। बच्चों की कोई सोच है कि जिहड़ा बिजनेस असं पुराने ढंग ना कर रहे ना उन्होंने कोई नवे ढंग बड़े अच्छे तरीके अपना बिजनेस अगर लैके जा रहे हैं, बिजनेस चाहते अगे तो अगे असं वधा के चलिए। लो हूँ बच्चे आ गए, बेटे आ गए, उन्होंने गल कर। वेलकम अमित एंड करण, इस वक्त हुण मज़ा आया मैं कि पूरा परिवार और पूरा शक्ति ज्वेलर मेरे सामने बैठा है। अमित एंड करण, मैं हुणे सर नूं पुछ रही सी सुभाष जी नूं कि उन्होंने तुहानूं जबरदस्ती प्रेसराइज करके तो नहीं इस बिजनेस लिया, और सर कहिंदे कि तुसीं बच्चों नूं खुद ही पुछ लो, तुसीं की कहना चाहते हो? क्योंकि अजकल यूनो दुनिया दे विच की चलता है कि बच्चे एक अपनी सोच लैके चलते हैं कि मैं तो आ बनना, मैं तो एक्टर बनना है, मैं तो सिंगर बनना है, या मैं मतलब फर्नीचर की मार्केट मतलब फर्नीचर का काम करना, मैं डॉक्टर बनना है, व्हाटएवर। कि तुहाडी सोच विच इस तरह नहीं सी कि मैं असीं पुश्तैनी काम तो हट के कुछ नवीं चीज़ अपना नवा नाम कमाईए, ते तुसी भी इस शक्ति ज्वेलर्स दी पुश्तैनी बिजनेस नूं अग्गे वधाउण लई तुसी अग्गे वधिया, ते इहदे विच मतलब किन्नी सच्चाई है, तुसी प्रेशराइज हो या नहीं हो? ऐसी ते कोई गल नहीं, सानूं कोई प्रेशर नहीं किया गया, असीं अपने इंटरस्ट दे नाल आए हां, असीं अपने पापा नूं शुरू तों वेखदे आए सी कि हाँ काम प्रोपर करते पे, किस तरह काम है किस तरह नहीं है, सानू हौली हौली फिर नॉलेज होगी, साडा भी इंटरस्ट बन गया। बल्कि मैं तो मनोगे नहीं, मैं तो अठवीं क्लास तो दुकान तैरना पे, मेरा असूल सी दोपहर डब्बा लैके दुकान पर आ जाना और तीन चार घंटे दुकान पर डेढ़ लाने, पापा नु वेखना किस तरह काम करते पे है, किस तरह डील करते पे है, किस तरह कस्टमर नु दिखाना, किस तरह की गल करनी, फिर हौली 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 सब फिर आपे लाइन चवारी गए। तो करण तुसी मतलब कि तुसी वैसे तुसी छोटे बेटे हो घर दे, लेकिन छोटे बेटे थोड़ा काम कर दे विच घट ध्यान देने, कि तुसी भी बिजनेस दे विच पूरा कोऑपरेट कर दे सी? बिजनेस च कोऑपरेट करना ही पाया क्योंकि मैनू क्रिकेट का बड़ा शौक सी, ते मैं पता नहीं क्रिकेट दे विच बड़े अपने पापा दे पैसे खर्चे कराए ने, नवे नवे बैट लैने, महंगे तो महंगे बैट लैने, ते मैं अच्छे अपना रणजी मैच च अपना रणजी ते पहुँच गया सीगा, कुदरती बाई चांस की गल फिर नहीं हो पाया सिलेक्शन, ते आपा फिर दुकान ते आके बह गए थे, दुकान ते बैठे जो मैं भरा नूं ते पापा नूं वेखदा सीगा काम करते हुए, तो ऑटोमैटिकली मैनूं नॉलेज आनी शुरू हो गई, ते हुण अपना काम तो फिर अपना ही हुंदा है, फिर ऑटोमैटिकली फिर अपना काम दे विच वड़ के, ते अज प्रभु दी कृपा नाल बड़ा अच्छा काम है, ते अज साडा मन भी लग्गिया है, ते अच्छा चल रहा बिजनेस अज दे तौर ते, नवीं जनरेशन अजकल जी नवी हैगी है उस हिसाब नाल सानूं वेखना पैंदा अजकल नवीं वरायटी किस तरह पानी है, क्योंकि अजकल गाहक लभदा कि नवीं वरायटी कित्थे मिलदी है, असीं कित्थे जाके लैणी है, ते असीं उस चीज़ नूं असीं मेनटेन करके रखिया है दुकान दे उत्ते कि असीं नवीं वरायटी लैके आनी है, गाहक नूं खिंचना है किस तरह करना है, अज प्रभु दी कृपा नाल बड़ा अच्छा काम है, ते अच्छी वरायटी पाई है असीं। मतलब कुल मिला के एक आप कहिए कि तुसी अपने पापा दी बिजनेस नू होर क्रिएटिव तरीके ना अगे लैके आ रहे हो दोनों भरा, और इस तो वध के की होगा सोने ते सुहागा कि बिजनेस भी इकट्ठा ते परिवार भी इकट्ठा, और अजकल दे टाइम दे विच परिवार इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल है, और सुभाष जी तुसी काम करके दिखाया। सच दसा तो बिजनेस के नाल नाल जिहड़ा तुहाडी फैमिली दे विच मैं पॉजिटिविटी फील कर रही हाँ ना, वह देख के तो मज़ा ही आ गया, साड़ी चढ़दी कला टाइम टीवी वालों चैनल वालों ते मेरे वालों भी स्पेशली तुहानू वाहिगुरु जी चढ़दी कला दे विच ही रखन, तुहाडा बिजनेस फले फुले और ये परिवार होरां लोकां नू भी पॉजिटिविटी देवे, बहुत बहुत धन्यवाद सर तुहाडा। मैं चढ़दी कला टीम का धन्यवाद करदा हाँ। मैं चढ़दी कला टीम का बहुत धन्यवाद करनी हाँ, जिहड़े साडे घर अज आए, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल जी।